फांसी की सजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। नंबर 1, फांसी की सजा सुनाने के बाद फैसला देने वाला जज खुद ही पेन की निब को तोड़ देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है तो इसका कभी दोबारा प्रयोग ना हो। पेन की निब तोड़े जाने के बाद खुद जज साहब भी फांसी की सजा सुनाने वाला निर्णय नहीं बदल सकते हैं। नंबर 2, फांसी की सजा देते वक्त उस जगह पर जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर का मौजूद होना अनिवार्य होता है। नंबर 3, फांसी की सजा देने से पहले अपराधी के चेहरे को काले सूती कपड़े से ढक दिया जाता है और 10 मिनट के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर डॉक्टर के परीक्षण के बाद मृत शरीर को फांसी के फंदे से उतारा जाता है। नंबर 4, फांसी की सजा की पूरी प्रक्रिया हमेशा सूर्योदय से पहले पूरी कर ली जाती है, जिससे फांसी की वजह से किसी कैदी पर बुरा असर ना पड़े और जेल में रोज के कार्य निर्धारित समय पर चलते रहें। नंबर 5, फांसी की सजा के पहले जेल प्रशासन को कानून अनुसार अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछकर उसको पूरा करना पड़ता है, जिसके तहत वो उसके कुछ खाने, कई किताबें पढ़ने या उसके परिवार से मिलने की अनुमति दे सकते हैं। नंबर 6, फांसी की सजा से पहले अपराधी को सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाने के लिए ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी दिया जाता है और उसके धर्म से जुड़ी किताबें प्रार्थना करने के लिए भी दी जाती है। नंबर 7, फांसी की सजा देने से पहले कानून अनुसार अपराधी के घर परिवार को 15 दिन पहले ही इस बात की खबर मिल जानी चाहिए, जिससे वो लोग आकर उनसे मिल सकें। नंबर 8, फांसी की सजा देने के लिए कानून अनुसार फांसी का फंदा कहीं बाहर से नहीं मंगवाया जाता है, बल्कि उसके लिए फांसी का फंदा जेल में ही काट रहे कोई कैदी ही तैयार करता है। नंबर 9, भारत में फांसी की सजा देने के लिए जल्लाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे कानून अनुसार पूरा खर्च भी जेल प्रशासन द्वारा दिया जाता है। नंबर 10, भारत में फांसी की सजा के लिए उपयोग होने वाले फंदे बिहार के बक्सर जेल में तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वहां के कैदी फंदे बनाने में काफी माहिर माने जाते हैं।